हरे कृष्णा टू माय ऑल स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट में इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स में आता है हाफ ईयरली में। सो स्टूडेंट्स, एक एक करके देखते हैं यहाँ पे हम आज क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इम्परफेक्शन क्या होता है, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, सब आपका क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। उससे पहले हम देखते हैं इम्परफेक्शन मतलब क्या होता है। परफेक्शन मतलब परफेक्ट, मतलब काफी अच्छा। इम्परफेक्शन मतलब नॉट परफेक्ट, जो परफेक्ट ना हो। अब यहां पे अगर हम बात करें कि सॉलिड का जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता है, तो सॉलिड का अरेंजमेंट हमारे पास लॉन्ग रेंज में भी होता है और शॉर्ट रेंज में भी होता है। अब उसी अरेंजमेंट में अगर कुछ कमी हो गई, समझो, अगर उसी अरेंजमेंट में अगर कुछ कमी हो गई उसे बोलते हैं हम इम्परफेक्शन। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इम्परफेक्शन मतलब क्या होगा, डिफेक्ट इन अरेंजमेंट। स्टूडेंट, दो वर्ड दिए बस मैंने, डिफेक्ट इन अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं इम्परफेक्शन। अब इसको अगर हम डिफाइन करें इम्परफेक्शन इन सॉलिड, तो कैसे डिफाइन करेंगे, डिफेक्ट आर बेसिकली, डिफेक्ट होते क्या है, तो इरेगुलरिटीज, वो रेगुलर नहीं होते इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जब इसी के सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इरेगुलर होते हैं, कैसे स्टूडेंट्स, इरेगुलर वे में अरेंज होते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम क्या स्टूडेंट्स, तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। अगर हम यहां पे बात करें कि सॉलिड में जो इम्परफेक्शन, जो डिफेक्ट्स हैं, क्या स्टूडेंट्स, डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, तो डिफेक्ट्स यहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और यहाँ पे हमारे पास लाइन डिफेक्ट। अगर हम बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, तो सॉलिड में एक पॉइंट के अराउंड ही, मतलब क्या कि अगर एक एटम के अराउंड ही अगर इरेगुलरिटीज है, कोई डिफेक्ट है, तो उसे बोलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। अगर यहाँ पे हमारे पास अगर क्रिस्टल, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो अरेंज होके एक लॉन्ग फॉर्म बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, तो पूरी रॉ में, अगर पूरी रॉ में इम्परफेक्शन, अगर कुछ इरेगुलरिटीज है, तो उसे बोलेंगे हम लाइन डिफेक्ट। खुशी की बात स्टूडेंट्स ये है, आपको लाइन डिफेक्ट अभी नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम पॉइंट डिफेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर हम देखें पॉइंट डिफेक्ट भी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नेक्स्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट और थर्ड हमारे पास होता है नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक एक करके देखते हैं इसमें क्या है, कैसे हम क्या इसमें पढ़ेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी हम स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टाइप होते हैं। पहला हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट हम इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास साइचोमेट्रिक डिफेक्ट में ये हमारे पास नॉन आयनिक स्ट्रेंथ, क्या नॉन आयनिक सॉलिड के लिए है। अगर यही डिफेक्ट हमारे पास आयोनिक सॉलिड में होगा तो इसका नाम चेंज होता है, और अगर इंटरस्टीशियल डिफेक्ट भी यहाँ पे हमारे पास आयोनिक सॉलिड में होगा तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, वैकेंसी डिफेक्ट मतलब हमें नाम से बदल रहा है कि वैकेंसी मतलब क्या, कोई खाली जगह बन जाएगी, उसे बोलेंगे हम वैकेंसी डिफेक्ट। अगर यही डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में अगर होगा तो उसे स्टूडेंट बोलते हैं हम क्या, तो शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, शॉर्ट की डिफेक्ट। अगर यहां पे हमारे पास इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, तो एटम्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसे बोलते हैं इंटरस्टीशियल पॉइंट। तो अगर वहां पे अगर आयनिक डिफेक्ट हो रहा है, आयनिक सॉलिड में अगर हमारे पास डिफेक्ट हो रहा है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट अगर हो रहा है, तो उसका नाम स्टूडेंट पड़ता है फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या नाम पड़ता है स्टूडेंट्स, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो साइचोमेट्रिक डिफेक्ट के यहाँ पे हमारे पास कितने, तो 2 टाइप, और इसके अंदर हमारे पास एक ही टाइप हमारे पास हो गए आयनिक सॉलिड के रिगार्डिंग। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें साइचोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे पास 4 चीजें पढ़नी है हमें, क्या, वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा कि कुछ इम्प्योर कंपाउंड इसमें हमारे पास एड हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या, नॉन साइचोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ पे हमारे पास नॉन साइचोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे पास 2 टाइप है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसमें क्या कि मेटल की जो एक्सेस मतलब मेटल का जो एटम है वो ज्यादा हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास है मेटल
डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यहाँ पे हमारे पास मेटल का जो एटम है वो कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम अब एक एक करके इसकी डिटेल स्टडी करते हैं।